आज तक हम सोचते रहे कि कछुआ बहुत स्लो है, टर्टल बहुत स्लो है, लेकिन हम गलत थे। हम कहानियों से गलत सीख लिए थे यार। टर्टल तो अच्छा चल लेता है, देखिए हमारे लिटिल टर्टल को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे अमित ब्लॉग्स में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, और आगे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कुछ अभी तो ये स्थिर है, लेकिन जरा सा टच करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से भागता है ये। इसलिए मुझे विश्वास उठ गया कि कछुआ बहुत स्लो है। जरा सा मैं टच करता हूँ, आप इसके स्पीड को देख लीजिएगा। देखिए देखिए आप इसकी स्पीड को, इसकी फुर्ती को देखिए। कौन कहता है कछुआ बहुत धीरे चलता है? हालांकि कछुआ खरगोश से भी जीता था, और कहानी में लोग कहते थे कि कछुआ बहुत धीरे चलता है लेकिन रेगुलर चलता है, और खरगोश से जीत गया। लेकिन उतना भी धीरे नहीं चलता है जितना लोग सोचते हैं, जितना हम लोग सोचते हैं। आप देख सकते हैं हमारे लिटिल मास्टर टर्टल को, देखिएगा एक बार इसको छूएंगे कितनी तेज़ी से ये भागेगा। यार इतना तो मेंढक भी नहीं चलता है, मेंढक छलांग मार लेता है। इतना सांप जितना चलता है, जितना अन्य कीड़े मकोड़े चलते हैं उतना ये भी चलता है। इसको बदनाम किया गया है, कछुए को लोग बदनाम कर दिए हैं। देखिए हमारे रूम में एक छोटा सा टर्टल, इसके लिए आप नाम सजेस्ट करें, क्योंकि मुझे पता नहीं चला इसका नाम क्यों रखें। क्योंकि हम इसको कुछ देर अपने एक टैंक बनवा रहे हैं, एक छोटे से टैंक में इसको रखेंगे, या फिर एक्वेरियम खरीद के लाएंगे और इसको रोटी वगैरह, टमाटर वगैरह, खीरा वगैरह कुछ कुछ खाने के लिए देंगे। और धीरे धीरे उसके बाद इसको तालाब में छोड़ देंगे जब ये बड़ा हो जाएगा। आप देखिएगा इसकी स्पीड को, जैसे ही टच करेंगे किस प्रकार से ये भागेगा। या पूरा स्पीड से भागता है। इसका मैंने रेस्क्यू किया था खेत से, बड़ा वाला चींटी इसको काफ़ी जकड़ लिया था और इस परेशान था ये। यहाँ पे मैं इसको खाना पीना पानी वगैरह मैं भी रखता हूँ जार में। और देखिए हमारे रूम में है ये, चारों तरफ घूम भी रहा है। और इसको, इसके लिए थोड़ा कीचड़ चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा सूखा भी चाहिए, तीनों तरह के इन्वायरमेंट चाहिए। और मुझे लगता है जहाँ तक ये टर्टल है, फ्लिपसिल, इंडियन फ्लिपसिल टर्टल, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये इंडियन फ्लिप सेल टर्टल ही है। और देखिए हमारे रूम पे पूरा घूम रहा है ये, पकड़ पकड़ने में भागने लगता है, हालांकि पकड़ लेते हैं। देखिए मैंने इसको हाथ पे रखा है और जैसे छूते हैं तो ये भागने लगता है। और इसके ऊपर एक हार्ड शील्ड होता है, उसके अंदर अपने आप को ये सेफ रखता है, किसी के अटैक से, अन्य जीव जंतुओं से अपने आप को अटैक सेफ रखता है। और मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये बड़ा हो जाए, खाने पीने लगे, हर जगह घूमने लगे, तो इसको अच्छे से रखें, क्योंकि अभी खाता नहीं है, देख नहीं पाते हैं कब खाता है कब नहीं खाता है। देखिए अभी मैं इसको रोटी का टुकड़ा देता हूँ, खाता है कि नहीं खाता है कि मैं देख खाएँ। बच्चा है ये, और बिछड़ गया था अपने माँ बाप से, अपने झुंड से बिछड़ गया था, तभी ये मुझे मिला। नहीं तो आज तक मुझे ऐसा ऐसा कछुआ नहीं मिला था। अब देखिए इसको मैं रोटी देता हूँ, लेकिन ये खाता नहीं है, तो इसको मैं पानी में डाल दूंगा, वहीं पे रोटी डाल दूंगा, तो वहीं पे एक खाएगा, थोड़ा बहुत ज़रूर खाता होगा, क्योंकि तो 3-4 दिन हो चुका है मेरे पास इसका।